एक बहुत अच्छा इंडिकेटर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। एज यू कैन से सी द नेम ऑफ द इंडिकेटर इज़ RSE। व्हाट इट एक्चुअली डज इज़ इट कंपेयर्स ऑल द इंडिसेस विद निफ्टी एंड उनकी एक कंपैरेटिव स्ट्रेंथ फाइंड करने की कोशिश करता है। सो एज यू कैन सी राइट नाउ, अगर हम लोग निफ्टी से चार्ट्स को कंपेयर करें, इंडेक्स को कंपेयर करें, PSU बैंक इज़ राइट नाउ रनिंग वीक एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, सो हमें यहाँ पे इंस्टेंटली देख के पता चल जाता है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो स्ट्रांग चल रहे हैं, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो वीक चल रहे हैं। सो डिजिटल, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा, दे आर ऑल रनिंग वीक। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट दिस, हेल्थ केयर इज़ समवॉट स्ट्रांग, फिनसर्व इज़ स्ट्रांग। ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सेक्टर आज के दिन में चल रहा है, डैट इज़ द FMCG। सो मुझे यहाँ से डायरेक्टली देख के पता चल जाता है कि आज के दिन में FMCG या रियलिटी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बुलिश है या बेरिश है। द आइडिया इज डैट इन द मार्केट स्ट्रांगेस्ट सेक्टर के अंदर स्ट्रांगेस्ट स्टॉक्स को हमें पकड़ना है, और वीकेस्ट मार्केट के अंदर हमें वीकेस्ट स्टॉक को पकड़ना है सेल करने के लिए। विद डैट आइडिया आई नाउ नो कि FMCG सेक्टर जो है वो इस टाइम पे स्ट्रांग है, तो मैं अपने इस पैरामीटर्स को यहाँ पे अब FMCG के ऊपर मैच करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना बेस इंडेक्स कर दिया है निफ्टी FMCG, और मैं अपनी वॉच लिस्ट उठा रहा हूँ FMCG के स्टॉक्स की। मैं ये देखने लगा हूँ कि FMCG के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जो इस टाइम पे इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू लुक एट इट, टाटा कंजम, नेस्ले, PGHH, ITC, VBL, दे आर ऑल अंडर परफॉर्मिंग देयर इंडेक्स। एंड एट द सेम टाइम मैरिको, डाबर, ब्रिटानिया, कोलपाल, गोदरेज एंड UBL, दीज आर द स्टॉक्स विच आर आउट परफॉर्मिंग। इससे मुझे हेल्प कैसे मिलती है, जिस टाइम पे मुझे इसके अंदर काउंटर टू द ट्रेंड स्टॉक्स बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, काउंटर टू द ट्रेंड ऑफ निफ्टी। होता क्या है कि जब भी निफ्टी स्टेगनेंट होती है, देयर आर ऑलवेज सेक्टर्स जो वीक होते हैं और जो स्ट्रांग होते जाते हैं। विद दिस इंडिकेटर वी कैन फाइंड कि अगर निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रही तो कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, और उस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। सो अगर मुझे आज ट्रेड करना है, आई विल बी प्रॉबेबली लुकिंग एट ITC, जिसके अंदर है कि ये वेज बनी हुई है। ठीक है, आई कैन फिल्टर आउट स्टॉक्स कि मुझे उसको कैसे ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोलपाल अपनी एक लॉन्ग टर्म राइजिंग चैनल के अंदर ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट कर रहा है, सो अगेन आई कैन कंसिडर इट फॉर अ बुलिश ट्रेड। दिस इज हाउ दिस इंडेक्स हेल्प्स अस। एक बारी और इसको देखते हैं, यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर दोबारा से चला के देखते हैं इसको। जो इंडेक्स है इस टाइम पे निफ्टी के साथ कंपेयर करने, सो दीज आर द इंडिसेस जो इस टाइम पे आउट परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, एक MNC भी है जो आउट परफॉर्म कर रही है, रियलिटी भी है जो आउट परफॉर्म कर रही है। सो हम लोग क्या करेंगे, लेट से रियलिटी को चेक करके देखते हैं कि रियलिटी के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जो इस टाइम पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई विल गिव इट द निफ्टी रियलिटी, एंड निफ्टी रियलिटी के स्टॉक्स देखते हैं। सो निफ्टी रियलिटी के अंदर फिनिक्स, DLF, लोधा, सनटेक, महालाइफ, दे आर ऑल अंडर परफॉर्मिंग। एंड एट द सेम टाइम ब्रिगेड, यू कैन सी ऊपर की साइड को ब्रेकआउट दे रहा है, इट इज़ परफॉर्मिंग। गोदरेज प्रॉपर्टी इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, शोभा इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, एंड प्रेस्टीज इज परफॉर्मिंग। ऑब्वियसली मुझे इसके अंदर से अभी एकदम से कोई सिग्नल नहीं मिला लेने के लिए, बिकॉज मेरा पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, मेरी अदर कंडीशंस मैच नहीं कर रही, बट इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर विच कैन टेल यू। सो यहाँ पे यू कैन सी प्रेस्टीज इज गिविंग अ बुलिश सिग्नल। ठीक है, सो प्रेस्टीज कैन बी टेकन फॉर अ बुलिश ट्रेड, बिकॉज ऑल टाइम हाई ब्रेक की है एंड वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो इट कैन गेन मोमेंटम। सो यू कैन सी हाउ दिस इंडिकेटर कैन बी हेल्पफुल इन द कमिंग ट्रेडर स्टॉक। वी आर गोइंग टू शेयर इट विद यू, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माई मेंटर, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। थैंक यू।